अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा नाप है और ये अस्तल है और ये साड़ी का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम अस्तल को काटेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से आरुमल की यहाँ से इसका नाप लेंगे। तो इसकी चेस्ट है 23 इंच चेस्ट है और ब्लाउज की लंबाई है वो 15.5 है। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे, 15.5 है तो हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे लंबाई। शोल्डर लेंगे 6 इंच के और यहाँ पे पहले सीधा निशान 6 इंच के शोल्डर। अब हम यहाँ पे 23 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग का। आरुमल लेंगे 7 इंच के, इसको पहले चौकुटा इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। हमने यहाँ पे गोलाई 1 इंच पे दी है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 8 इंच की, इसको भी पहले चौकुटा, उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमारा पीछे का पल्लर हो गया। अब इसके बाद हम इसको आगे की साइड रखेंगे। यहाँ पे आगे की साइड हम यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा रखेंगे। आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे और इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच की। पहले हमें इसको चौकुटा, फिर उसके बाद गोलाई में। अब हम यहाँ से पहले गले की कटिंग। अभी हमारा आगे का पल्लर लंबाई में 1 इंच ज़्यादा है। आगे का पल्लर 1 इंच लंबाई में हमने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि प्लेट डालेंगे इसलिए। अब 0.5 इंच हम यहाँ पे आरुमल को ज़्यादा काटेंगे आगे वाले के, क्योंकि आगे की साइड झोल आती है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे प्लेट का बीच में। इसके बाद यहाँ पे नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 5 इंच पे। अब यहाँ पे नीचे की प्लेट हमने 5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे कैंची का कट लगा लेंगे प्लेट की, जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी रहेगी। अब मेन यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे लगाया है, ये निशान के बराबर हमें ये प्लेटों का निशान लगाना है। तो ये हमने प्लेटों का निशान लगा लिया है। बगली की जो प्लेट है वो हमारी 7 इंच की लंबाई है यहाँ से। अब ये हमारा आगे का पल्लर हो गया। अभी हमारा कपड़ा बचा हुआ है अस्तल का, इसमें से हम बाजू निकालेंगे, मगर साड़ी का कपड़ा बचेगा उसी के बराबर हम बाजू निकालेंगे। अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर निकालेंगे। पहले बाजू का बॉर्डर है ये हमारा। अब ये कपड़े को हम डबल करेंगे। पहले यहाँ पे हम पीछे का पल्लर रखेंगे जो हमारी बंद साइड है। 0.5 इंच हम कपड़े को ज़्यादा लेंगे साड़ी के अस्तल से, साड़ी का कपड़ा 0.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ से हम पहले गले को काटेंगे। अब इसके बाद यहाँ से, अब ये हमारा कटिंग का कपड़ा है, यहाँ पे आगे का पल्लर रखेंगे। अब ये हमारे दोनों पल्लर कट गए हैं। अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। अब हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 14 इंच की है। तो यहाँ से हम कपड़े को डबल करेंगे 2 इंच हम, जैसे हमारे 7 इंच के आरुमल हैं तो 2 इंच हम कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे, यानी कि हमें 9 इंच की चौड़ाई लेनी है। अब हमने यहाँ से 9 इंच की चौड़ाई ली है और यहाँ पे हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा 4.5 इंच की चौड़ाई का। अब ये कपड़े को हम यहाँ पे लगाएंगे।
अब हम यहाँ से जो हमारे खुले वाले पल्लर हैं यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे बाजू की, और यहाँ से बंद वाला पल्लर है वो हमारा बीच का है जो हम शोल्डर में यहाँ से जोड़ेंगे, और यहाँ से खुला है वो हमारा नीचे का फिटिंग का है। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच की लंबाई लेंगे यहाँ पे, और इसको इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे 8 इंच तक तिरछा करके, और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 8 इंच तक, और इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच यहाँ पे। अब ये हमारी सिंपल तरीके से बाजू की कटिंग हो गई। अब ये हमारा अस्तल है, इसमें भी हमें अलग से कपड़ा लगाना है, इसको भी हम यहाँ से जोड़ेंगे कपड़े को। जोड़ने के बाद हम पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और बाद में कटिंग करेंगे। अस्तल को हम बाद में काटेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और सीधी सिलाई लगा के बाद में बाजू की कटिंग दोबारा से करेंगे अस्तल की। और ये हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगली वीडियो में बताऊंगी। हमारी स्टिचिंग आप ज़रूर देखें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।